ये कब इलाज कराना है, कहां से कराना है, महकमा दाखला तैयार है। हुकूमत मान गई, नवाज शरीफ फिर ना माने। मियां साहब अब तो मान जाए, शरीफ फैमिली की कोशिशें भी जारी हैं और जाती मौलिज भी अद्वियात लेकर जेल पहुंच गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान। आपको बताते चलें, नवाज शरीफ की खराबी सेहत का ये मामला है, कब इलाज करवाना है और कहां से इलाज करवाना है। इस हवाले से महकमा दाखला तो मुकम्मल तौर पर तैयार है, हुकूमत मान चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ हैं जो कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे। मियाँ साहब अब तो मान जाएँ। शरीफ फैमिली की कोशिशें भी इस वक्त जारी हैं और जाती मौलिज भी अद्वियात लेकर जेल पहुंच गए। आपको बताते चलें कि कुछ ही देर पहले शरीफ फैमिली के मेंबरान कोर्ट लग पर जेल पहुंचे हैं मियां साहब को एक बार फिर से मनाने के लिए। और आपको बताएं कि नवाज शरीफ के जाती मौलिज भी अद्वियात लेकर जेल पहुँच गए हैं। इलाज कब करवाना है और कहाँ से करवाना है, महकमा दाखिला मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस हवाले से हुकूमत भी मान चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ मानने का नाम नहीं ले रहे। मियाँ साहब अब तो मान जाएँ। शरीफ फैमिली की कोशिशें जारी हैं। आपको बताएं कि नून लीग ने नवाज शरीफ के लिए एक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की सहूलत का मुतालबा कर दिया। मुजाकराती कमेटी के अजलास में नून लीग का तहफ्फुज़ात का इजहार। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड में मरीज़ की तशखीस करने वाला डॉक्टर ही नहीं, नून लीग को बैरून मुल्क से डॉक्टर मंगवाने की पेशकश भी की है। राजा बशारत का अजलास के बाद इजहार ख्याल में यह कहना था। हमने पूरा फैमिली को और पार्टी का और उनकी कंडीशन का पूरा कंसर्न जो हमारा था वो इनके साथ शेयर किए। लेट्स सी हाउ द गवर्नमेंट डॉक्टर साहिबा ने अपनी उस ऑफर को दोहराया है और डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि अगर आपकी ये डिमांड है तो डॉक्टर साहिबा ने गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये ऑफर की। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये कह देना इज मोर देन इनफ कि इनको बेहतर से बेहतरीन सहूलतें फ्राहम की हैं। मैं समझता हूँ उसके बाद किसी शक पर चुभे की गुंजाइश नहीं रही। जो उनका प्राइम डिजीज़ थी उसका डॉक्टर उस पर नहीं डाला गया। कल हमने असेंबली में भी बात की थी कि जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट था वो तो उस बोर्ड का मेंबर ही नहीं था, और फिर जिन लोगों ने उनका बाहर इलाज किया था उनकी कंसल्टेशन बीच में नहीं डाली गई। ये सब चीज़ें हमने गवर्नमेंट को अपने कंसर्न दी हैं। गवर्नमेंट को रब्ता करना चाहिए, उनकी फैमिली को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट की साइड पे, हमने तो अपने जो कंसर्न थे वो गवर्नमेंट साइड तक पहुंचा दिए। हमारा कोई बतौर हुकूमत इसके ऊपर सियासत खेलने का कोई प्रोग्राम नहीं, ये बात आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। हम में से कोई बंदा इसको सियासत समझ के नहीं बात है।